होप यार कि वही गाड़ी होगी। आपको गाड़ी भी चेक करवा रहे थे। और यार अभी यार इन सारी गाड़ियों को मैंने उतारना है अभी। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर बैक अगेन विद अनदर वीडियो ऑफ GTA 5। और गाइस यार आप कह रहे होगे ठंडे पानी में घुसा हुआ है, तो यार ये पानी ठंडा नहीं है, ये नीम गर्म पानी है। तो मैंने कहा सुबह सुबह का वक्त है, थोड़ा सा यार नहा लूँ। तो आप में से भी यार जिस किसी ने नहाना है तो आ जाओ यार, साथ मिल के नहाते हैं। चलो यार नहीं आना अभी, मैं चल रहा हूँ यार। तो अभी आज यार आज हमने शिपमेंट मंगवाई है जी हुंडई क्रेटा की। अगर यार मुझसे प्रोनंसिएशन में थोड़ी गलती हुई तो यार उसके लिए माफ़ी। और बस मैं सिंपल इस गाड़ी को अभी यार क्रेटा के नाम से पुकारूंगा। SUV यार गाड़ी है, और इसकी यार रिक्वेस्ट भी आई हुई थी यार। ये जगह भी है थोड़ी नहाने के लिए, इस तरह इस टाइप की, ठीक है ना। तो इधर भी नहा सकते हो आप, आना फिर देखेंगे। तो अभी यार हम चलते हैं, तो जिमी को भी मैं बता देता हूँ, तो कपड़े भी पहन लेता हूँ जल्दी से। और दांत मैंने यार आज ब्रश ही नहीं किए, सुबह सुबह उठा हूँ। तो पहले यार चलता हूँ जिमी को बता दूँ, फिर उसके बाद यार दांत ब्रश कर देते हैं और फिर यार निकलते हैं, अपनी शिपमेंट लाएँगे यार अपने शोरूम पर। और पुरानी यार उन गाड़ियों में अभी तक कोई गाड़ी हमसे सेल नहीं हुई जो हमने इससे प्रीवियस वाली शिपमेंट लाई थी टोयोटा क्रोला एक्स की। तो पहले यार जिमी को मिल लूँ, मिल के आ लूँ उसे, बोलूँ यार उठे, अभी तक उठा नहीं है। यार जिमी तू अभी तक नहीं उठा, मैंने तुम्हें कहा भी था। बस पापा यार अभी उठ रहा हूँ, आप यार क्या काम है मुझे बताओ। यार तुझे अभी बताया भी शिपमेंट आ रही है, उसे लाना है तो जाना है कि नहीं जाना मुझे बताओ। अच्छा यार उसके लिए बस आप जाओ, रेडी हो तो बस मुझे आवाज़ मारो, मैं आया। अच्छा यार उस दिन की तरह आवाज़ मारूँ यार, ये वाशरूम तो इधर से यार अपना दांत थोड़े ब्रश कर दूँ। यार कोलगेट आप भी यूज़ किया करो, मैं भी यूज़ कर रहा हूँ तो भी दांत ब्रश करता हूँ। तो गाइस दांत तो हो गए ब्रश, अभी यार निकलता हूँ बस कपड़े यार चेंज करने हैं। और फिर यार जिमी को क्या करना है यार, निकालना है उसे, यानी कि धक्के मार के निकालना है। वैसे उसने नहीं निकलना जल्दी जल्दी से, तो पहले यार मैं चलता हूँ अच्छे से यार ड्रेस सेलेक्ट कर लूँ, अच्छे से कपड़े पहन लूँ, फिर उसके बाद आपको मिलता हूँ। तो कौन सा यार ये वाला ठीक रहेगा, तो ये यार कैसे लग रहे हैं यार इसके साथ कपड़े, कमेंट सेक्शन में बताना। हाँ यार एनिक नहीं पहनी, बताना यार यानी कि विदाउट ग्लासेस मुस्तफ़ा भाई कैसे लग रहे हैं, ये कमेंट सेक्शन में यार इसे बता देना इस चीज़ का। तो अभी मैं जिमी को देखना यार, अभी भी ये रेडी नहीं हुआ होगा, मुझे कहेगा जिमी यार जल्दी कर ना, मैंने तुम्हें कहा भी था जल्दी रेडी होना। बस पापा आप जाओ, मैं नीचे ही आ रहा हूँ, मुझे यार हॉर्न देना। अच्छा यार आ रहा हूँ, आ रहा है यार, कह रहा है लेकिन मुझे लग रहा है ये अभी आएगा नहीं। उस दिन भी यार इसे मैंने कहीं जाने का कहा था, इसी तरह यार इसने ड्रामा लगाया हुआ था जल्दी जल्दी से, फिर यार बहुत वो यानी कि लेट करके इसने हमें भी लेट किया और खुद भी लेट हुआ। तो अभी गाड़ी आज यार हम लेके जाएंगे जी V8 टोयोटा लैंड क्रूज़र V8 लेके जाएंगे। इस गाड़ी को साथ साथ मैं इसीलिए रनिंग में रख लूँ क्योंकि यार इसका इंजन फिर सेट रहता है, फिर काम नहीं निकालती। वैसे ये गाड़ी अच्छी है, यानी कि इतना काम इसने हमारे पास नहीं निकाला और काफ़ी अच्छी है हमारे पास। चलिए बीच में से इसका मेरा कुछ इरादा भी बन रहा था इस गाड़ी को सेल कर लूँ, अब यहाँ पे खड़ी करके मैं इसे रेस इसलिए दे रहा हूँ यार क्योंकि सुबह सुबह का टाइम है और गाड़ी आपको पता है रात के बाद ठंडी हो जाती है। और इसे मैंने यार आज दूसरा दिन है स्टार्ट किए, यानी कि एक दिन का वक्फा देकर। तो बस अब तकरीबन यार गाड़ी हमारी रेडी हो चुकी है यानी कि चलने के लिए। तो वैसे ये अच्छा तरीका भी है गाड़ी चलाने के लिए। तो अभी यार इसे मैं मोड़ देता हूँ, और जिमी आ गया होगा, नहीं आया अभी तक, चलो उसे भी बुला लेता हूँ। तो अब हमारे पास यार वैगनार हमसे चली गई है, अभी गई नहीं है यानी कि इस घर से चली गई है, और यार फॉर सेल के लिए अभी खड़ी है हमारे शोरूम पे, वो मैं आपको बता भी दूंगा। गाड़ी यार आप भी देख लो, आपसे यार कोई रिस्पांस नहीं आया, किसी बंदे ने कॉल वगैरह भी नहीं की कि भाई हमें गाड़ी चाहिए। तो वो गाड़ी देख लेना, मैं अभी जाते हुए आपको बता भी दूँगा। गाड़ी साफ़ है यार, मैंने आपके सामने ही चलाई है। ओ यार अभी यार पापा ने वैसे यार शोर बनाया हुआ अभी तक यार, मैं बस ठीक है यार कमला शाला ठीक है बस, अब क्या कपड़े ये वाली ठीक है, चलो यार जल्दी से निकलते हैं यार। तो भाई यार पिछले दिन मेरा यार गेमिंग जोन का काम लगा था, उसमें यार मैं काफ़ी बिजी था, जब मैं यार शोरूम की तरफ था मैंने कुछ चक्कर ही नहीं लगाया। अभी यार गेमिंग जोन हमारा हो गया यार लेडी, तो बस उस पर अब शिपमेंट वगैरह आनी बाकी है, वो मैं फिर आपको यार इकट्ठा करके यानी कि एक करके बताऊँगा। यार पापा ये क्यों खोली हुई है, अब बंद कर दो ना यार, इतना मसला तो नहीं है, बंद कर दो। वैसे ही मैं पीछे यार इसकी डिगी चेक कर रहा था। अच्छा अच्छा चले फिर चले, इसे भी बंद कर दो दरवाज़ा। ए यार मैंने बैठना था ना, क्या बंद कर दो। तो तू अब यानी कि
कुछ चीज़ भूला तो नहीं है, ये नहीं कि तसल्ली कर ले अभी जाते जाने जाने से पहले। नहीं यार पापा कोई भी चीज़ नहीं भूले, फिर यार आप ही लेट हो रहे होगे तो मैंने, मुझे लगता है यार आपको इतना लेट नहीं किया, फिर निकले। हाँ मुझे नहीं लेट किया यार, बहुत जल्दी आया, चल बैठ निकलते हैं यार। तो यार जिमी ने मुझे ज़रा भी लेट नहीं किया, जिस तरह मैंने कहा एकदम से। यार पापा मजाक कर रहे हो या तनकीद कर रहे हो, बस कुछ नहीं कर रहा अब। चल तो सुना अपने गेमिंग जोन का क्या बना था रे? बस वो यार थोड़ा सा उसका काम अभी बाकी है, यानी कि इंफ्रास्ट्रक्चर हमने दे दी उसे, और उस पर अभी यार कनेक्शन वगैरह, इंटरनेट के कनेक्शन वगैरह करवाने, और साथ में यार इंटरनेट के कनेक्शन से पहले यार किस सिस्टम के, सिस्टम तो है ही नहीं हमारे पास, वो सिस्टम मंगवाने हैं बस, उसके बाद फिर कनेक्शन वगैरह करवाएंगे, यही कुछ अभी यार उस पर बाकी है। अच्छा यानी कि अभी आधा काम हो गया आधा रह गया, तो आज ही दिखाएगा या फिर कब कब दिखाएगा ये पापा? यार अब जब रेडी हो जाएगा ना फिर यार अपने भाइयों को दिखाऊंगा। चल ठीक है यार, जिस तरह तेरी मर्ज़ी उसी तरह कर दे। तो अभी गाइज हम जा रहे हैं यार शोरूम पर, तो जिमी भी साथ चल रहा है मेरे, इसने कहा था कि शिपमेंट जिस दिन आई मुझे साथ इसके बाद लेके चलना, पिछली मरतबा ये नहीं गया। हाँ यार वो मैं बिजी था, बजाया था ना आपको ना, वो शोरूम का काम लगा हुआ था इसलिए यार बिजी था, अब वो मैंने बता दिया था इनको सारा, तो इसीलिए। तो अभी गाइज इस वक्त वो जो क्रेटा होंडा हुंडई क्रेटा यार जो भी उसका नाम है गाड़ी का, ओए तेरी यार ये किस तरह स्पीड में आई, मेरी गलती है या इसकी गलती है यार, क्या समझ ही नहीं आई बातों बातों में सीधा। यार यार पापा अभी लग जाती तो क्या यार, उसका नुकसान था या हमारा, यार दोनों ही थे, उसका ज़्यादा लग रहा था क्योंकि अगर यार वो लगता तो बिल्कुल साइड से लगता, तो हमारे तो यार ये फ्रंट से सारा कुछ इसके चला जाता। हाँ यार इसका ठीक ठाक यार नुकसान हो जाता हमारा भी, और उसका पता नहीं वो बचता भी कि नहीं। हाँ चल छोड़ उसे। तो गई हम यार पहुँच आए हैं जी शोरूम पर, अभी इधर यार गाड़ी करता हूँ मैं पार्क, और फिर हाँ जिमी मुझे याद आया तुझे एक काम भी करना है। हाँ यार क्या काम करना है मुझे बताए, सब पर उतरता हूँ तुम्हें यार सारा समझाता हूँ, तो वो काम आसान है इतना काम नहीं, इधर मैं तुझे समझा देता हूँ। ये अभी ये गाइस ये देख लो यार, सुजुकी वैगनार ये फॉर सेल है, तो और ये मेरी गाड़ी है, ये सारी गाड़ी मेरी है, बस ये जो यानी कि पर्सनल कार है जी भाई। यार गाड़ी चेक करिए। हाँ यार ये इंजन के हवाले से थोड़ी इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ इन भाई को, तो वो एक्सपर्ट है ना इसलिए। अच्छा ठीक है यार, दो दो आराम से तसल्ली करो। तो ये गाड़ियाँ गाइस हमारे पास इस यानी कि इस बैच में खड़ी हैं, ये देखें ये हाई जेट और ये क्रोला एक्स, और साथ में यार वो मेरी वैगन आर खड़ी है। अभी यार जिमी को कहा अभी इधर आओ, पता नहीं वो पीछे क्या कर रहा होगा गुस्सा हुआ। तो जिमी यार इधर आ ना, तुझे आवाज़ नहीं आई ये पापा, वैसा आ रहा हूँ कर रहे थे इधर। यार क्या कर रहे, कुछ नज़र आ गया? नहीं आपका काम क्या था यार मुझे बताओ, मैं क्या काम था? मैंने कहा इधर ही कुछ काम होगा। था यार काम इधर ही है, तूने यार काम ये करना है, ऑयल एक्स तो तू चलाता है और दूसरा यार पार्क व्हील भी चलाता है। हाँ यार दोनों पे मैं होता हूँ, अकाउंट बने हुए। इधर आ यार इधर आ, तुझे इधर डिटेल से समझाओ। ये खड़ी है यार वैगनार, इसके अच्छे अच्छे यार पिक्चर ले और ऑयल एक्स पे भी डाल दे, और साथ में यार पार्क व्हील पे भी। ठीक है मैं थोड़ा अंदर मैनेजर साहब की तरफ जा रहा हूँ, फिर जब मैं निकलूँगा तुझे मैं ट्रक पे निकलूँगा ना, चल के तो नहीं चाहता, शिपमेंट हाथ पे नहीं लानी, ट्रक पे लानी है, मैं तुझे निकलते वक्त पिक कर दूँगा। ठीक है चलो पापा, ठीक है यार मैं फिर पिक्चर वगैरह लेता हूँ आप फिर जल्दी से यार आओ। तो मैंने कहा यार अंदर की सिचुएशन अच्छा यार गाड़ी का, कहीं मुझे लग रहा है कस्टमर वगैरह हुए, तो मैनेजर साहब फिर मैं बाद में वापसी ही आता हूँ ठीक है ना? चलो ठीक है जी मुस्तफ़ा भाई, ठीक है जिस तरह आप मुनासिब समझे। असल में गाड़ी का सौदा लगा हुआ इसलिए मैं बीच में नहीं घुसा। तो ये यार अंदर भी हमारे पास यही दो ब्रांड खड़े हैं टोयोटा के, और साथ में यार डाइसू हाई जेट, ये यार ये हमारे पास चार गाड़ियाँ ये हैं और छः गाड़ियाँ दूसरी हैं, छः भी थी वो सेल हो गई थी, दो आपने देखी होंगी। और ये भाई आज इनके पास मुझे लगता है कोई भी काम नहीं आया, यानी कि गाड़ी बनने के लिए आज नहीं आई हुई। तो अभी यार हम निकलते हैं जी, ये खड़े हैं जी हमारा ट्रक खड़ा है और इस पर बैठते हैं, ये शिपमेंट के लिए आपको पता है यार ये हमने उसी के लिए रखा हुआ है, और इसी पर हम शिपमेंट अपनी लाते होते हैं। अब पता नहीं यार वो गाड़ियाँ इस पर पूरी आएंगी कि नहीं आएंगी, अगर यार ना आई तो फिर हमें दो चक्कर लगाने पड़ेंगे, नहीं तो यार उधर से फिर रेंट पे एक फिर ट्रक ले लेंगे उसी पे लानी पड़ेंगी। अब क्या करें फिर, तो फिर यार इसका ट्राला इसके साथ मैं अटैच कर दूं, फिर उसके बाद हम निकलते हैं जल्दी से। थोड़ा यार ये भी डिफ़िकल्ट इस ट्रक का यार एक मामला ये है, ये आपको पता है यार टर्न यानी कि बॉर्ड काटते हुए तो रिवर्स में यार ये ट्रक बहुत तंग करते हैं, तो इसीलिए इस पर यार काफ़ी टाइम लगता है रिवर्स करते हुए, या इसे यार कहीं से छोटी जगह से खास कर यार इसे
जब आप मोड़ लेते हो इस पर तो ये यार बहुत तंग करते। तो बस यार शुक्र है जल्दी से इसके साथ हो गया अटैच, तो अभी निकलता हूँ और जिमी को बता दूँ, ये ना हो यार उसे छोड़ के चला जाओ तो फिर वो नाराज़ हो जाएगा। हाँ जिमी यार जल्दी से आ जा। भाई पापा यार आखिरी शॉट है, जब मैं यार आता हूँ ये साइड से बस एक पिक्चर ले लूँ। ये आ गया, बस यार आ गया यार, हॉर्न कम दो। वो आ गया यार, चलो इसने काम तो कर दिया। अब यार यहीं से डालेगा या घर जाके? यार अभी तो MB नहीं है तो घर जाऊँगा यार, वहीं से कर दूँगा यार वाईफाई से। अच्छा ठीक है यार चल बैठ। तो अभी गाइज हम निकलते हैं जी अपने यानी कि पोर्ट वाली साइड पे। अभी यार वो शिपमेंट वालों से मेरी बात हुई भी है, वो कह रहे थे यार यहाँ पर अगर कोई और जगह भी मुनासिब सी हो जिस जगह पे यानी कि इस तरह की शिपमेंट और भी आती हो तो आप हमें बता दीजिए, उस जगह पे हम उतार देंगे जहाँ पे हम आपको नज़दीक हो। तो यार इधर एक और जगह थी लेकिन उधर फिर हमें यानी कि उस साइड वाला टैक्स फिर आते हुए काफ़ी पे करना पड़ रहा था। मैंने कहा यार इसे यह रेंट ही ज़्यादा दे के यानी कि इस अब इस पे तो मुझे रेंट नहीं देना पड़ता इस ट्रक पे, लेकिन यार ये भी तो ख़र्चा करता है यानी कि फ्यूल का और साथ में यार जो मंथली इसके और अदर एक्सपेंसेस हैं वो सारे इस पे आते हैं। तो वो टैक्स से फिर ठीक है यार, क्योंकि टैक्स इधर भी हमने देना उधर भी देना है, साहब एक ही पड़ जाता है। उधर फिर थोड़ा ज़्यादा हो जाता है, इधर फिर हमें नॉर्मल पड़ जाता है, जिससे हमें यानी कि फिर हम जब मार्जिन अपना लास्ट में देखते हैं ना तो वो फिर हमें अच्छा मिलता है। फिर जिस वजह से मैंने कहा यार ये वाली जगह ठीक है, इस जगह पर आप शिपमेंट उतार दिया करो। और यार मुझे बताना है इस ट्रक की ड्राइविंग मेरी कैसी है, यानी कि मैं अच्छा ड्राइव करता हूँ कि नहीं। और साथ में यार भाई ने एक और कमेंट किया हुआ था कि सुजुकी कल्टस, वो मैंने शुरू में बता दिया कि सुजुकी कल्टस की शिपमेंट, वो मैं कोशिश करूँगा यार ये गाड़ियाँ जब यानी कि हमसे निकल दी जाएँ यानी कि सेल हो जाएँ। थोड़ा यार शोरूम से अभी यार आपने चेक किया कितना यार भरा हुआ था, तो अभी यार मैं पहुंच भी आया हूँ। एक यार ये जगह काफ़ी यहाँ से मुझे इसमें बहुत गुस्सा आता है इस जगह पे। अब यार इतना आगे आके भी ये यहाँ बिल्कुल साथ इसके जुड़ोगे ना तभी ये हटेंगे। वैसे उन्होंने यार ऊपर नहीं होना, दिल करता ही है अगर ना हटें तो साथ में तोड़ के बंदा चला जाए, लेकिन फिर अपना नुकसान होता है उनका नहीं होता। यानी कि ट्रक ख़राब हो गया फिर यार इसका काम करवाना पड़ेगा, इसलिए मैं फिर इस तरह की हरकत नहीं करता। तो अभी बस मैं पहुँच गया हूँ और इस साइड से मैं इसलिए आता होता हूँ ताकि हमें यार ट्रक मोड़ने में दिक्कत ना हो। मैं एकदम से यार यहाँ से जाता हूँ और ये देखना सीधा यार उसके आगे चला जाऊँगा, यानी कि मुझे यार यहाँ से मोड़ने की ज़रूरत ही नहीं पड़ती। वहाँ से मैं आता फिर यहाँ से निकल के जाना है, फिर आगे से काटना तो फिर यार काफ़ी लंबा पड़ जाता। तो बस यहाँ पर ठीक है, थोड़ा सा आगे जाके यार मैं रिवर्स आता हूँ तो अपने ट्रक को यार अच्छे से लेवल में लगा दिया है। तो अभी उतरो यार जिमी। अच्छा पापा, तो ये गाड़ियाँ यार हमारे पास आई हैं, ये यार चेक कर लो, ये जो भाई ने यार कमेंट किया हुआ था। तो होप यार कि वही गाड़ी होगी, मुझे पूरा यकीन है इस पर। तो क्योंकि मैंने काफ़ी जो उन्होंने यानी कि हुंडई क्रेटा नाम उन्होंने यार मुझे दिया हुआ था, मैंने उसे सर्च किया तो मुझे ये गाड़ी मिली है। तो अभी ये यार मैं आपको गाड़ी भी चेक करवा देता हूँ। आज भी यार इधर इस गाड़ी को यार थोड़ा चेक करते हैं, इंटीरियर और एक्सटीरियर सारे। यार एक्सटीरियर तो आप देख ही रहे हो, इंटीरियर थोड़ा मैं बाहर निकालता हूँ गाड़ी को, यार आप देख लेना। छोटी सी राइड भी यार इस पर चेक करेंगे। और जिमी क्या कुछ रादा वगैरह बन रहा है? यार इसका लादा चले सोचते हैं यार, अभी थोड़ा चेक करवाएं फिर उसके बाद सोचते हैं। ये यार इसका इंटीरियर है देख लो, काफ़ी यार ब्यूटीफुल और अच्छा सा इंटीरियर है। ये देख लो यार डैशबोर्ड सारा इस गाड़ी का, आप देख लो कि कौन सी गाड़ी से यार मैच कर रही है, मुझे अभी कुछ आइडिया नहीं आ रहा। और बैक पे यार काफ़ी ज़्यादा आप बंदे इसमें बिठा सकते हो, SUV गाड़ी है, मुझे तो ये SUV लग रही है। आपको यार कौन सी लग रही है? सेडान तो नहीं लग रही, वो तो हो ही नहीं सकता, तो मुझे SUV लग रही है। हाँ जी मैं ठीक कह रहा हूँ ना? जी यार ठीक ही कह रहे हो, सही कह रहे हो यार आप। तो अभी यार छोटी सी मैं आपको इस पर एक राइड भी चेक करवाऊँगा और साथ में बल्कि इसके यार ये इंडिकेटर भी आप चेक कर लो, साइड में आपने देख लिए होंगे। अब फ्रंट से भी यार आपको मैं दिखा देता हूँ, ये थोड़ी लाइट्स इसकी लाइट्स से यार ठीक है, लेकिन ये अभी दिन का वक्त है, वो आपको यार सही नहीं नज़र आ रही होंगी। तो ये इस साइड से भी अब यार ये देख लेना आप इसके यार इंडिकेटर वगैरह, इंडिकेटर यार इसके वो भी अच्छे हैं यार, क्यूट से ये देखो बिल्कुल साइड। लेकिन यार इस तरह के इंडिकेटर का फ़ायदा यानी कि आपको जो बैक वाली गाड़ी होती है वो अगर यार दूर रहेगी तो फिर आपको फ़ायदा है, यानी कि नज़दीक आएगी। ब्रेक लाइट्स में होता है इंडिकेटर तो फिर काफ़ी अच्छा था, लेकिन यहाँ पर भी ठीक है, यानी कि एक कौशन सी लुक आ जाती है गाड़ी में। और गाड़ी में मुझे लगता है BS है, यानी कि मैंने अभी इसके फीचर वगैरह पढ़े नहीं है, और उस हिसाब से यार गाड़ी काफ़ी अच्छी है।
तो आपको यार क्या लगता है, मुझे ये अपनी गाड़ी अपने लिए रखनी चाहिए कि नहीं? जिमी तो यार कह रहे, सोचते हैं अभी यार, जिमी ने सोचा नहीं है इस गाड़ी के हवाले से। यार पापा अभी यार शोरूम पे जाते हैं, फिर यार उसके बाद इसकी रनिंग देखना, फिर यार करते हैं, फिर यार अपने लिए अभी सोचते हैं कोई। यार गाड़ी वैसे भी हमने वो शेयर कर दी है वेगनार, तो उसकी जगह फिर ऐसे रख लेंगे, क्या कहते हैं? चल यार देखता हूँ अब क्या करूँ। अब इधर मैं गाड़ी लगाता हूँ और ट्रंक ओपन करते हैं यार अपने ट्रक के ट्राले का, तो जल्दी से फिर यार इन्हें लोड करते हैं, क्योंकि अब शोरूम पे भी जाना है और वहाँ पे आपके सामने यार पार्टी बैठी हुई थी। और फ्रंट की लुक भी यार इसमें काफ़ी अच्छी है, देखो यार अट्रैक्टिव लुक है। थोड़ी मैं दूर से भी आपको बता देता हूँ, ये देख लो, और साइड पे भी सारी यार गाड़ी मुझे मुझे पसंद आई है। अब आपका यार मैं नहीं कह सकता, हर किसी का यार अपना अपना ओपिनियन होता है हर किसी हर चीज़ के हवाले से। तो अभी यार इसका करते हैं यार ट्रंक ओपन करते हैं, और फिर उसके बाद जल्दी से फिर यार जिमी साथ मेरे लोड करना। यार पापा आप जल्दी से ट्रंक ओपन करो, शायद करूँगा ना। तो ये यार इसका ट्रंक मैंने ओपन कर दिया, अब फर्स्ट वाली गाड़ी से लोडिंग शुरू करते हैं। वाइट वाली यार नीचे लोड करूँगा, और फिर यार रेड वाली इसी तरह से यार जिस तरह से इन्होंने तरतीब में खड़ी की हुई, इसी तरह से यार हम फिर इन्हें लोड भी कर देते हैं। कलर मैंने यही चूज़ किए हैं, अब ये मंगवाए मुझसे पूछ के उन्होंने मंगवाए, इस दफ़ा भेजे हैं यार। और वैसे खुद अपनी मर्ज़ी भी करते रहते हैं, लेकिन इस मर्तबा मेरी मर्ज़ी के मुताबिक कलर आए। मैंने कहा था कि यार दो वाइट दो रेड और दो ब्लू भेज देना, तो अभी इसमें सुना है यार ग्रे कलर भी है। अब वो कैसा है वो मैंने नहीं मंगाया, मुझे इसमें अच्छा नहीं लग रहा था, मैंने इंटरनेट पे देखा था, वो मुझे अच्छा नहीं लगा इसलिए मैंने नहीं मंगवाया। तो अभी यार ये फर्स्ट वाली गाड़ी हमारी हो गई है लोड, अब और गाड़ियों को मैं करता हूँ यार लोड एक एक करके। तो फाइनली यार सारी गाड़ियाँ मैंने कर दी हैं जी लोड, देख लो यार सारी गाड़ियाँ अच्छे से। मैंने कहा यार पूरी नहीं आएंगी, लेकिन यार इसमें पूरी आ गई हैं, और छः की छः यार इसमें फिट आ गई हैं, फिट नहीं यार पूरी आई हैं ठीक अच्छे से। ये देखो बिल्कुल यार पीछे फासला भी है और अच्छे से, वैसे लग नहीं रहा था इस तरह से होगा। चल जिमी यार आज निकले यार जल्दी से। तो चलो गाइज अभी यार हम निकल रहे हैं जी अपने शोरूम की तरफ, और फिर आपको मैं वहाँ पर इनकी सेटिंग में खुद नहीं करता होता, मैनेजर साहब से ही कहता हूँ, वो अच्छी सेटिंग करते हैं, यानी कि इन चीज़ों पर समझते हैं। आज जिमी से बोलूँगा यार जिमी सेटिंग करे। यार पापा यार कोशिश करूँगा यार मैं अच्छे से यार इसे शेड कर दूँ, तो वैसे यार मेरा एक्सपीरियंस नहीं है, मैं आपसे साथ यार हेल्प कर दूँगा गाड़ियाँ उतारने में। हाँ यार जिस तरह से लोड करवाने में किए, इस तरह यार उतारने में भी कर देना, तो यार काफ़ी अच्छा बच्चा है यार जिमी मेरे साथ, सारी गाड़ियाँ इसी ने लोड की हैं यार। वो कल रहा था ना, आप फिर खुद लगे हुए थे, मैं फिर क्या करूँ, शायद देखने पड़ता है फिर, और तो कुछ आज नहीं होता। अच्छा यार छोड़। तो गाइज इस गाड़ी के बारे में मैं सोच रहा हूँ यार एक अपने लिए रख रहा हूँ, लेकिन फिर यार मेरा प्रोग्राम कैंसिल यहाँ से होता है कि एसयूवी गाड़ी मेरे पास ऑलरेडी एक खड़ी है, टोयोटा जी जो V8 अभी मैंने लाई भी है यार शोरूम पे, तो ये गाड़ी मेरे पास ऑलरेडी खड़ी है। अगर दो लूँगा तो फिर यार यानी कि एसयूवी फिर मज़ा नहीं आता उन गाड़ियों का, यानी कि एक फिर एक काम करता हूँ, या तो यार उसे सेल कर दूँ, या फिर एक और काम इसमें यार ये हो सकता है कि मैं वेगनार सेल कर रहा हूँ, मुझे क्योंकि यार पैसे चाहिए थे, अगर यार मैं इसे सेल कर दूँ, यानी कि ये क्या कर रहा है यार V8 वाला अभी लग गया था यार, फिर इस तरह से लगता है ना, फिर यार नुकसान अपना होता है और दूसरों का भी होता है, और फिर यार गलती दूसरों की, यानी कि कहते हैं कि भाई आपकी गलती थी हमारी गलती तो नहीं। अभी यार यहाँ से लग जाता तो फिर मेरे पास तो पीछे देखो गाड़ियाँ काफ़ी ज़्यादा नुकसान हो जाता है इस तरह से एक छोटी सी गलती की वजह से। तो देखो बात भी कहाँ से कहाँ निकल गई एक छोटी सी गलती की वजह से। तो अभी मैं कह रहा था कि ये गाड़ी अपने लिए रखूँ कि ना रखूँ, अभी मैं कस्टमर जो हमारे पास आएंगे यानी कि उनसे मैं पूछता भी रहता हूँ कि हाँ भाई गाड़ी के कैसा रिज़ल्ट दे रही है, फिर उनसे पूछूँगा, क्योंकि पहले मैंने यार इस कंपनी की कोई भी गाड़ी अभी तक तो यूज़ नहीं की। अभी तक देखो आपके सामने हमने टोयोटा सुजुकी फिर होंडा, ये तीन कंपनी हमने यूज़ की हैं। अब अच्छा मुझे डीलर एक और बात भी बता रहा था कि यार आजकल की या मोटर स्पोर्टेज जो गाड़ियाँ आई हुई हैं यानी कि इस टाइप की वो भी गाड़ी है वो भी काफ़ी चल रही है, तो वो भी आप अपने शोरूम पे रखें। तो मैंने कहा अभी जगह नहीं है यार, इन्हें नहीं पूरा कर सकता तो तुम्हारा क्या करूँगा। तो अभी यार ये देखो ये गाड़ियाँ यहाँ पर पहुँच रही हैं, तो ये अब काम यार जिमी का है। मैं अंदर चलूँ देखूँ यार अंदर की सिचुएशन, जिमी यार मैं अंदर जा रहा हूँ मैनेजर साहब के पास, तूने यार गाड़ियाँ अच्छे से उतारनी है और अच्छे से लगानी है, ठीक है? अगर गाड़ियाँ नहीं लगती सिर्फ उतार के पीछे खड़ी कर दे। अच्छा पापा ठीक है यार आप आराम से जाओ, मैं अच्छे से यार इन गाड़ियों को चार्ज देता हूँ। तो वो भी यार ये गाड़ियाँ मैं भी उतार सकता था, लेकिन अभी उतार इसलिए नहीं रहा क्योंकि अभी अंदर जाऊँ सिचुएशन देखूँ मैनेजर साहब
तक मेरा काम है। एक तो वो वेगनार के वाले से भी अच्छा यार बंदा, अभी तक मुझे लग रहा है ये पार्टी बैठी हुई है अभी तक वही बंदा लग रहा है मुझे। और यार अभी यार इन सारी गाड़ियों को मैंने उतारना है अभी गाइस, एक एक करके यार इन गाड़ियों को उतारता हूँ। और यहाँ पे यार इधर जगह कम है यार, जगह कम है थोड़ा यार। वो V8 को वैसे भी हमने घर को लेके जाना और उसे मैं निकाल दूंगा, और इस वाली गाड़ी से यार स्टार्ट लेते हैं इसे यार, पहले रिवर्स कर दूँ इसे यार निकालूँ, फिर और यार गाड़ियों को एक एक करके यार सारियों को अनलोड करता हूँ। अभी गाइज जा रहा हूँ। वैसे मैंने पहले यार इस तरह से यानी कि शटिंग वेटिंग नहीं की गाड़ियों की। अरे भाई हट ना आगे से, आगे यार खड़ा उल्लू का पट्टा नज़र भी आ रहा है। तो वैसे ही पहले यार वैसे बेहतर थी भी यानी कि डिसिप्लिन से नहीं लगाऊंगा, वैसे ही लगाऊंगा और फिर यार और गाड़ियों को फिर इस तरह से लगा दूंगा। तो चलो भाई यार और गाड़ियाँ भी यार मैं करता हूँ अनलोड, सारी गाड़ियाँ यार यहाँ पे लगा रहा हूँ। फिर उसके बाद ये गाइज मैंने यार सारी गाड़ी यार उतार दी, अब यार इस ट्रक को मैं इसकी जगह पर लगा दूँ, फिर उसके बाद यार इन गाड़ियों को भी अच्छे से इनकी जगह पर यार लगा देता हूँ। वैसे यार कुछ उधर रोड साइड भी खड़ी हैं, अब यार तरतीब बनाऊंगा, फिर उसके बाद यार ये ठीक अच्छे अपनी जगह पे आ जाएंगे। अब बैठो यार वो पीछे भी यार गाड़ी खड़ी है, अबे स्टार्ट हो गया ट्रक और अभी यार इसे इस साइड से हाँ यार ठीक है। वैसे मेरा इस ट्रक को चलाने से यार मैं पापा से ग्यारह अच्छे चलाता हूँ इस ट्रक को। अभी यार इसे यहाँ पे मैं कर देता हूँ पार्क और उसके बाद उन गाड़ियों को यार मैं शेड कर देता हूँ। तो भाई यार इसे भी मैंने कर दिया यार इसकी जगह पे पहुँच गया यार ये वाला ट्रक। अभी यार थोड़ी गाड़ियाँ रहेंगी उन्हें इस पर शेड कर दूँ, फिर उसके बाद यार चलते हैं। पापा से बोलूँगा यार जल्दी जल्दी से यार घर भी जाना है, तो यार जल्दी करें। अब यार इस गाड़ी को मैं कहाँ यार इसे उस साइड पर लगा देता हूँ, ब्लू ब्लू के साथ ठीक रहेगी। वो यार मुझे याद है कि ब्लू टू मिस इन्ना लीड, वो यार जो वो खेलते हो ना यार पता होगा मैंने किसका गाया है। और यार बैक रिवर्स आता हूँ इस जगह पे, इस गाड़ी को लगा देता हूँ, वाइट वाले को यार इधर आगे कर दूंगा, जिसकी जगह यार वहाँ पे बनती है उसे वहाँ पे ही खड़ा कर दूंगा। और दूसरे वह देखो यार काफ़ी यार यहाँ पे रश बन गया यानी कि बहुत ज़्यादा यानी कि इन्वेंट्री हमारे पास यार काफ़ी अच्छी हो गई अब। तो ये वाली गाड़ियाँ ये आ गई है ठीक हो गया। अब और भी यार वो कह रहे हैं डीलर भेज रहे हैं अब, तो अब यानी कि लेने का मसला ये बन रहा है यानी कि अब हमारे पास यार जगह कम हो रही है, तो जगह भी हमने यार अब अरेंज करनी है अपने न्यू शोरूम के लिए। और कोई यार पापा अहमद भाई से भी लगे हुए यार, उन्हें कह रहे हैं कि यार कोई अच्छी सी जगह मिले यानी कि कमर्शियल जगह, तो हमें यार बताओ जहाँ पर हम अपना न्यू शोरूम इसी ब्रांच ओपन करें यार, इसी की PDM की ब्रांच ओपन कर रहे हैं यार। जहाँ पर मेरे लिए जगह ली थी गेमिंग जोन की उसका भी कह रहे थे, लेकिन वो मैंने कहा यार नहीं यार उसे छोड़ो, तो ये वाली जगह यानी कि ये वाली नहीं, इसके लिए यार इलेदा से एक जगह लो, वो वाली जगह ठीक नहीं है। मैंने यार अपने लिए कहा, वैसे तो वो ठीक है बिल्कुल यार रोड साइड पे। तो ईश्वरी को यार पीछे रिवर्स इधर लगा लेता हूँ, वो दूसरी वाइट वाली फिर इसके साथ लगा दूँगा, क्योंकि V8 अभी मैं निकालता हूँ यार बाहर, और ईश्वरी को इसके साथ लगा लूँगा बस यार ये रेट ठीक रहेगी। और भाई यार ये गाड़ी एक और गाड़ी की तरह भी लग रहा है यार, उसका नाम मुझे जहन में नहीं आ रहा, वैसे वो गाड़ी मैंने कहीं देखी हुई है। अब यार वैगनार नहीं, यार वैगनार को छोड़ो, V8 को यार निकालो, मैंने कहा यार वैगनार वैसे भी न्यू तो नहीं है फॉर सेल है तो उस साइड पर, लेकिन यार V8 हम लेके जाने वाले हैं तो वैसे इधर बाहर निकाल लेता हूँ। और अभी यार उस गाड़ी को उधर लगा लेता हूँ, तो फिर उसके बाद पापा को यार बोलूँ यार अभी जाए यार घर को, मैं यार काफ़ी थक गया हूँ, सुबह आपके सामने यार लेटा हुआ था उधर से उठा के लाए, जल्दी जल्दी उठ यार। तो वैसे टाइम तो बहुत हो गया था, लेकिन फिर भी यार मुझे ज़बरदस्ती कहा है उठो यार, मैंने कहा था यार खुद ही जाना है साथ, तो फिर यार वो ले आए, मैंने तो मजाक किया था यार सच में मुझे साथ ले आए। तो ये यहाँ पे यार हो गई, अब यार जो और अरेंजमेंट हुई वो यार खुद मैनेजर साहब ही करें, मुझसे यार इतनी हुई है यार, पापा को दे देता हूँ यार गाड़ियाँ मैंने लगा दी हैं। तो चले अच्छी यार पार्टी आई हुई अंदर, मुझे लग रहा है इनसे बात ही चलिए। तो पापा यार अभी यार गाड़ियाँ मैंने लगा दी हैं, तो फिर अब चलूँ यार, तुम यार एक काम करो यार तुम फिर चले जाओ, मैं थोड़ा टाइम है तो बाद में आऊँगा यार, मैं टैक्सी पे जाऊँ फिर नहीं यार तुम एक काम करो V8 पे जाओ, टैक्सी पे मैं खुद आ लूँगा ठीक है, मैं थोड़ा लेट होऊंगा ठीक है, घर में बता देना। फिर पापा ठीक है यार आप फिर लेट हो गए फिर आप इधर ही हैं, हाँ मैं बस इधर ही हूँ, मैं टैक्सी पे आ जाऊँगा आप फिर तुम जाओ ठीक है, और तो काम नहीं है ना, नहीं बस फिर मैं चाह रहा हूँ यार। चलो यार यहाँ से यार हो गई छुट्टी, अब मैं यार घर की तरफ जा रहा हूँ, पापा ने यार कहा है कि अभी वो लेट आएंगे, वो ये तो यार अच्छी बात हो गई, बस अब मैं यार इसी V8 को पकड़ते हूँ और ये सीधा निकलता हूँ अपने घर की तरफ। और गाइस यार वीडियो पसंद आई इसे लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर करो, चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलना इंशाल्लाह। अब मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।